भरोसा रखो, उनके पवित्र नाम पर भरोसा रखो। तिकड़म करने से कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े तिकड़मी आए, रावण की तरह चले गए। रावण रोज अभिषेक किया करता था शिव जी का। भगवान शंकर के जितने ज्यादा से ज्यादा मंत्र हैं सब रावण के बनाए हुए जो आज तक तुम पढ़ते हो। रावण तो बचा नहीं, उन मंत्रों को पढ़ करके तुम क्या बचोगे। जिसने मंत्र बनाया, लिखा भी, लिरिक्स भी, सिंगर भी, म्यूजिशियन भी, वो गया। एक लाख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। और उन्हीं मंत्रों को पढ़ के तुम बचोगे, बच जाओगे, क्योंकि रावण में अहंकार था और तुम्हारे भीतर राघवेंद्र सरकार हैं। अगर सरकार के प्रेम में पढ़ोगे तो बच जाओगे, भोलेनाथ के प्रेम में पढ़ोगे तो बच जाओगे। पर अहंकार सहित तो रावण ही नहीं बचा जिसने लिखा, पढ़ा, गाया, बनाया। कोई रावण साधारण व्यक्ति था, वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मा वेद पढ़ाने आते थे। शिवजी रोज स्वयं आते थे अभिषेक लेने के लिए, पर वो भी इतना अहंकारी था, उसको जब प्रणाम करने का मन होता था झुकता नहीं था। एक दिन गया, कैलाश उठा लिया, पार्वती ने कहा भूकंप आ गया, बोला भूकंप नहीं, चेला आया है। बोला ये क्या कर रो है, बोला ये प्रणाम करने आया। बोला ये कैसे प्रणाम करता है, बोला मस्तक लगाना है ना तो झुक नहीं सकता। कैलाश उठा के ऐसे लगाया मस्तक में, प्रणाम भोलेनाथ। बताओ कितना बलवान था महाराज, चील ही उठा लिया। लेकिन भोलेनाथ भी नहीं बचा पाए उसको, क्योंकि वो अहंकार में मत रहता था, चूर रहता था। पूजा पाठ उससे ज्यादा कोई नहीं करता था, विधि विधान उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। अरे सेतुबंध रामेश्वरम में जब शिवजी की स्थापना होनी थी तो भगवान राम ने वहां जो स्थापना की, आचार्य के रूप में रावण ही आया था। अब बताओ, इस दुनिया में उस समय रावण से बड़ा कोई श्रेष्ठ आचार्य नहीं था, रावण ही आया था। एक कथा ऐसी आती है कि भगवान ने कहा कि भाई सोने का कोई या कुछ कास्ट का बना दो, बिना पत्नी के तो काम बनता नहीं। तो रावण ने कहा चिंता मत करो, मैं जानकी को लेकर आ रहा हूं। और सीता को लेकर आया रावण, सीता के साथ भगवान बैठे और भगवान ने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की। तो भगवान ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं और हे विप्रश्रेष्ठ, मैं दक्षिणा तो दूंगा, बिना दक्षिणा के मैं कोई काम कराता नहीं। रावण ने कहा मैं भी आचार्य हूं, बिना दक्षिणा के मैं जाऊंगा मैं नहीं, पर दक्षिणा हमारे मन का हो। बोला हाँ ये तो श्रेष्ठ, पर मुझे दया आती है राम कि तुम्हारे पास तो नाविक को देने के लिए कुछ नहीं था गंगा पार करते समय, तुम क्या दोगे मुझे, तुम्हारी हालत मैं जानता हूं। भगवान राम ने कहा मांगो विप्रवर, हे श्रेष्ठ आचार्य, मैं क्ष्वाकु कुल से आया हूं, रघुवंश से आया। वो रघुवंश जो रघु समस्त संपत्तियों का दान करके घोड़े के अस्तबल में बैठ के घास खाते थे, मैं उनकी संतान हूं। इसलिए ऊपर से मत देखो, ऊपर से मैं भले ही सफाचट नजर आ रहा हूं, भीतर से चकाचक हूं। मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं कि बाहर से चकाचक भीतर से सफाचट, मैं राम हूं। मांगो, प्रणाम किया और रावण ने जो मांगा है तो मुझे उम्मीद है कि आपके आंखें भर आएंगी। रावण ने कहा हे प्रभु राम, मुझे पता है युद्ध के मैदान में तुम मुझे मार कर गिराओगे, पर मेरी एक ही दक्षिणा है, जब मुझे गिरा दो तो जब तक मेरे प्राण चले न जाएं, सामने खड़े होकर मुस्कुराता रहना, तुम्हारे दर्शन करके जाना चाहिए। रावण भी ऐसी बात, इतना ज्ञान तो उसको भी था।